थोड़ा सा और उठाओ, और उठाओ। हाँ ये बैठ गई है दोस्तों, ये देखो आप दो छत्ते हमने दे दिए हैं और दोनों छत्तों में मधुमक्खियाँ पूरी अच्छी तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह हूँ और मेरा YouTube चैनल जय किसान HP है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरे एक मित्र हैं, मेरे गांव से हैं, मैं आज इन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो हमारे जो मित्र हैं ये काम इनको मैंने आज बोला कि आप पकड़ो और इसे बॉक्स में डालते हैं, तो मैं इन्हें आज पूरा वो बता और मेरे ये बताएंगे भी। और ईश्वर जी आपने कितने बॉक्स किए हैं? मेरे पास 6 बॉक्स है अभी। और आपको हैरानी होगी कि इन्होंने बिना ट्रेनिंग के 6 बॉक्स कर दिए हैं आपको एक। और आपको किसने बताया? थोड़ी यूट्यूब से जानकारी ली और आपके माध्यम से भी थोड़ी जानकारी। अच्छा, मेरा यूट्यूब देखा आपने? बिल्कुल। अच्छा चलो शुक्रिया। तो आज ये आए हुए मेरे पास और मैंने बोला चलो एक स्वारम मेरा डिवीजन हुआ तो स्वारम निकला एक बॉक्स से, तो मैंने कहा चलो आप आज इसको बॉक्स में डालो। तो दोस्तों देखो आप ये कैसे करते हैं, तो करो आप ये इसलिए कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी मक्खियां बैठ जाए और उसके बाद ये इसमें आराम से ये डालेंगे। अब झटके से भी हम इनसे कर डाल सकते थे एक झटके में, पर क्या होता है कई बार कि झटके से जब डालेंगे तो वो अभी दिन का समय है तो स्वारम एकदम भाग सकता है और इस वक्त दिन के 1 बज चुके हैं। अब बस बस अब सीधा कर दो आप टोकरी को, अब सीधा कर दो आप। इसमें एक बार अगर रानी आ गई तो ये स्वारम पूरा पूरा इसके अंदर आ जाएगा। आप इसकी टेक्निक देख लो दोस्तों, इसने बहुत ही अच्छे से इसमें डाल दिया है और अब इसमें अपने आप ये जाना शुरू हो चुके। बस ये रख लो ऐसी रख, हाँ इसी लकड़ी में फंसा दो। हाँ बस बस अब इसे ब्रश से थोड़ा थोड़ा ब्रश दे दो इसको, ब्रश से आस्ते आस्ते ना। जो हम एकदम झटके से किसी बोरी में या ऐसे डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि भागने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप जब किसी बॉक्स में या टोकरी में बड़े प्यार से काम करते हैं तो वो स्वारम कभी भी नहीं भागता दोस्तों। और इसमें कभी भी एक ध्यान और बात ध्यान रखना कि मधुमक्खियाँ मरनी नहीं चाहिए, अगर मधुमक्खियाँ मर गई तो रिस्की रहता है, मधुमक्खियाँ मरनी नहीं चाहिए। और आप जितना प्यार से काम करेंगे मधुमक्खी उतने प्यार से बैठेगी। अब ये डब्बे में जाना शुरू हो चुकी है दोस्तों, 4 मिनट हमें हो गए हैं और 4 मिनट में ईश्वर जी ने लगभग पूरा स्वारम टोकरी के अंदर डाल दिया है। जब भी आपने काम करना तो आप बड़े आराम से करें, मक्खी मरे ना और गुस्से में ना आए। अगर मक्खी गुस्से में आएगी तो वो भाग सकती है। और जब भी आपके पास स्वार्म बैठता है, चाहे वो आपके पास सुबह 10 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी है, आप उसे उसी वक्त उठा दो। ये क्वीन है दोस्तों, ये इसमें रानी है, रानी है, नई रानी है अभी। हाँ बिल्कुल नई क्वीन है ये। अभी रानी इसमें नई नई क्वीन थी, अब लगभग जा ही चुका है। तो मैं आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मैं आपको बताऊंगा इसे हम बॉक्स में कैसे डालेंगे। दोस्तों ईश्वर जी ने इस बॉक्स से एक ब्रूड वाली छत्ता निकाला और इसमें देखो आपकी ये ब्रूड है, इसमें शहद भी है। ये अब ये फ्रेम उसमें डालेंगे और उससे क्या होगा कि वो बॉक्स कभी भी भाग करके नहीं जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम एक बुना हुआ छत्ता और डाल देंगे, तो इसको एक मैं बुना हुआ छत्ता डाल देता हूँ। जिससे हमने एक छत्ता निकाला इसे हमने एक बुना हुआ छत्ता दे दिया। डाल दो, कर दो इसे पैक, इसे एक बुना हुआ छत्ता डाल दिया हमने और एक छत्ता और निकाला हमने, जिससे अब ये छत्ता और जो ब्रूड वाला, वो ब्रूड वाला कहाँ रखा आपने? यहाँ रखा। हाँ इसको उस बॉक्स में डालते हैं जिसमें ये, इसमें रख दो इसमें, हाँ इसमें, हाँ इस साइड और किसी भी साइड रख दो
थोड़ा सा दूर रखो, थोड़ा सा दूर रखो, हाँ थोड़ा सा और दूर रखो हल्का सा, ताकि क्योंकि इसमें ब्रूड है ना, हाँ ऐसा करके, और इसके साथ दूसरा रख दो अब। हाँ अब आप इसे रखेंगे हम जहाँ हमने रखना है एक बार इसको, फाइनली इसे हम एक बार उठा देते हैं और वहाँ इसमें मक्खियाँ भी डाल देते हैं। ईश्वर इसमें डाल रहे हैं और आप झटके से, एक झटके से डाल दो और ऊपर से इसको पैक कर दो, फिर झटके से डाल दो, हाँ कर दो पैक, कर दो, हाँ कर दो पैक, बस इसे ज़्यादा आपने ज़्यादा वो नहीं करना। बस अब क्या करेंगे, अंदर ये जो मक्खियाँ हैं फटाफट इस पर बैठ जाएगी, और इसे अगर इसमें रह गई है तो आप यहाँ रख दो, इसे आगे रख दो, इसके आगे ये ऐसे करके रख दो, ये खुद ब खुद इसके अंदर चले जाएगी। एक नया छत्ता ज़रूर देना दोस्तों, आप जब नया छत्ता देंगे तो ये इसमें मक्खियाँ जो है बहुत अच्छी तरह आराम से बैठ जाएगी, और जो आगे अगर आपको लगता है इस टोकरी में मक्खियाँ तो टोकरी को इस मधुमक्खी के जो बॉक्स है इसके आगे रख दो, ताकि वहाँ से मधुमक्खियाँ निकल करके इस बॉक्स में चले जाएगी, और अंदर जो हमने झटके से फेंकी हुई है और इसकी जो क्वीन थी वो बिल्कुल नई क्वीन है, और ये अभी इसके लिए जो एगलिंग करने के लिए ये 8 से 10 दिन लगाएगी, तो एक बहुत अच्छा काम किया आज ईश्वर ने। और दोस्तों ईश्वर ने एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ है और जिस पर ये अपनी वीडियो भी बनाता रहते हैं। कौन सा चैनल है आपका? सत्यम शिवम सुंदरम करके, सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा तो अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अगर हम अच्छी फसल चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, केमिकल से ऊपर उठ के, तो सबसे महत्वपूर्ण है मधुमक्खी, जिससे कि पोलिनेशन में चाहे वो हमारी साग सब्जी हो, चाहे फल फ्रूट हो, कोई भी प्रकार की सब्जी हो या फ्रूट हो, उसमें मधुमक्खी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बोलने का मतलब है कि मधुमक्खी है तो जीवन है, मधुमक्खी नहीं है तो सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात कही ईश्वर जी ने, और मधुमक्खियाँ अंदर जाना शुरू हो चुकी है, अंदर बाहर निकल रही है, तो शायद इस टोकरी में थी। और दोस्तों इसी तरह काम शुरू होता है, और आपने देखा कि ईश्वर ने किस तरह बॉक्स में मधुमक्खियों को डाला। आप भी जब भी कहीं आपका कोई स्वार्म मिलता है, उसको आप एक आधा फ्रेम जो बुना हुआ छत्ता या उसमें ब्रूड वाला छत्ता देंगे, तो मधुमक्खियाँ अब वो उस बॉक्स को कभी भी छोड़ के नहीं भागेगी। और इसको आज हम फीड ज़रूर देंगे शाम को, तो ये फीडर भी रख दिया है, तो इसको हम शाम को फीड भी दे देंगे। दोस्तों हमने उसको डाल दिया है, अब देखते हैं कि मधुमक्खियाँ कैसे काम कर रही है अंदर या क्या कर रही हो। इस साइड से नहीं, दूसरी साइड से उठाओ आप आराम से। हाँ अभी मधुमक्खियाँ शायद पूरी नहीं बैठी हुई है, बैठ चुकी हैं, ये दो छत्ते दे दिए, इनको एक आधा छत्ता हम और दे देंगे, ताकि ये जो काम भी इसके आगे शुरू कर दें। तो आपने अपने बॉक्स में मधुमक्खियों को इसी तरह करके रख देना, और फीडर भी आज रख दो आप, एक आधा फ्रेम में इसमें और डालूँगा। हाँ और थोड़ा सा दूर रखो, थोड़ा हल्का सा दूर, हल्का सा दूर, बस हाँ इसी तरह रखना है। अब ये हमारी दो फ्रेमों की मक्खियाँ हैं, अभी हमने रख दिया है, और एक आधा हम छत फ्रेम और रख देंगे, अब इसे पैक कर दो, ताकि मक्खी यहीं से अपना काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपका जो प्यार है मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, आपका एक लाइक मेरे लिए, मेरे जो इनाम है वो आपका लाइक है।